Yo, what is going on guys, welcome back to the channel to a brand new video and यार patch details अभी just आ चुका है and there is a big changes जो कि इन्होंने किए हैं to the Spider-Gwen uniform and I am really happy about it. तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले patch details के बारे में बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे Web Warrior has gained new power to overcome the misunderstandings of the world and take her responsibilities. तो Spider-Gwen को tier 4 दे दिया गया और एक नया यूनिफॉर्म दे दिया गया. तो चले चलते हैं यूनिफॉर्म पे नजर डाल लेते हैं क्या है. तो एक नया यूनिफॉर्म आ रहा है एंड आप देख सकते हो यहाँ पे मास्क उतार दिया गया है. शी इज मास्कलेस लुकिंग फैंटास्टिक. Spider-Gwen क्या ही क्यूट लग रही है यार, बहुत ही जबरदस्त लगा मुझे. आई एम डेफिनेटली गोना बाय हर एंड गेट हर टू टीयर 4 डे 1, यानी कि कल आपको T4 देखने को मिल जाएगी Spider-Gwen मेरे अकाउंट में, विच इज रियली एक्साइटिंग एंड आई एम रियली हाइप्ड अप अबाउट इट. 1050 क्रिस्टल्स कॉस्ट करेगा इसका यूनिफॉर्म ऑन सेल, जो कि ऑब्वियसली यूनिफॉर्म के साथ आने वाला है. स्पीड सुपर हीरो है बीबी और स्पाइडर सेंस एजिलिटी लीडरशिप एबिलिटीज में और ह्यूमन फीमेल जस्टिस है. यूनिफॉर्म इफेक्ट में इंक्रीज ऑल बेसिक अटैक बाय 40%, ऑल डिफेंस बाय 20% एंड ऑल स्पीड बाय 5%, विच इज अ रियली गुड थिंग. साथ ही साथ इफेक्ट हाइटेंड डिफेंस और वेब वॉरियर में चेंजेस है, वो देखेंगे हम क्या है. सबसे पहले वेकेंट स्किल में स्किल इफेक्ट आर द सेम और सभी चीजें स्टैट्स वगैरह सब सेम है, खाली हिट काउंट इंक्रीज कर दिया गया है विद द न्यू यूनिफॉर्म, जो कि बहुत ही अच्छा चीज है. उसके बाद पैसिव की बात करेंगे तो यहाँ पे ओरिजिनली ग्रेसफुल मूवमेंट था पैसिव, उसको नया बना दिया गया हाइट एंड डिफेंस. तो यहाँ पे हो गया है डॉज रेट इंक्रीज बाय 25% और 35 इंक्रीज ऑफ फिजिकल अटैक, यानी कि अच्छा खासा फिजिकल अटैक ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है ऑन हर पैसिव. टीयर 2 पैसिव जो कि वेब वॉरियर है, ये भी यूनिफॉर्म के थ्रू चेंज हो रहा है. यहाँ पे इंक्रीज गारंटी डॉज रेट बाय 40%, इंक्रीज स्किल डैमेज बाय 40% एंड इंक्रीज बोनस डैमेज बाय 30%. जैसा कि मैंने स्नीक पीक वाले वीडियो में बोला था, गारंटी डॉज रेट और स्किल डैमेज बोनस डैमेज बढ़ा देंगे, वही किया गया है यहाँ पे. फर्स्ट स्किल में स्टन फिजिकल डैमेज है, सेकंड स्किल में वेब और फिजिकल डैमेज स्टिल द सेम, थर्ड स्किल में स्टन है, रिकवर्स 30% ऑफ मैक्स एचपी द सर्वाइवेबिलिटी, 30% चांस ऑफ पेनिट्रेशन है विच इज रियली नाइस, काउंटर अटैक है यहाँ पे आप ऊपर टेक्स्ट में पढ़ सकते हो विच इज रियली नाइस, एनेबल अटैकिंग एनिमीज हु हैव एक्टिवेटेड द इग्नोर टारगेटिंग इफेक्ट, तो काफी अच्छा है ये चीज. 100% चांस टू ग्रांट ऑल डैमेज इम्यूनिटी, ये भी काफी अच्छा, सर्वाइवेबिलिटी और बढ़ेगा इसके थ्रू. और साथ में एक्यूमुलेशन है 10% का, 1.5% है विच इज रियली नाइस. इसे हम चेक करेंगे इसके ग्वेनम यूनिफॉर्म में कि एक्यूमुलेशन को थोड़ा सा बढ़ाया गया कि नहीं. फोर्थ स्किल में शॉक है, स्टन है, वेब है, इनविंसिबल है 5 सेकंड का, साथ में एक फ्रेंजी बफ है 30, 15 एंड 15, रिमूव्स इनकैपेसिटेशन और फिजिकल डैमेज है. फिफ्थ स्किल में वेब है, फ्रैक्चर है, इनकैपेसिटेशन है, पैरालिसिस है और एक 120 का डैमेज प्रॉक और फिजिकल डैमेज है. तो काफी तगड़ा दिख रहा है ये यूनिफॉर्म एंड आई रिमेंबर ये प्रॉक 100% का था, इसे 120% किया गया, तो यहाँ पे भी एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है. और इनविंसिबल फोर्थ स्किल में तो सर्वाइवेबिलिटी के लिए ये भी काफी अच्छा है. तो ऑल इन ऑल मुझे काफी तगड़ा लग रहा है Spider-Gwen का यूनिफॉर्म नया वाला अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का एंड आई एम अप फॉर इट एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट. कुछ ज्यादा तड़का नहीं देखने को मिला है बट असली तड़का TF4 स्किल में है, वो हमें देखना है क्या है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं TF4 स्किल में है, एक्टिवेशन रेट व्हेन स्ट्राइकर स्किल इज यूज अप्लाइज टू सेल्फ, 30 डॉजेस 30 हिट्स इंक्लूडिंग अटैक्स विद इग्नोर डॉज एंड इंक्रीजेस डैमेज डेल्ट बाय 30% व्हेन डॉजिंग फॉर 7 सेकंड्स. ये 30% इंक्रीज होते रह सकता है, यानी कि अगर ये 30 हिट्स को डॉज करेगी तो 13 to 30,000% इंक्रीज होगा इंक्रीज डैमेज डेल्ट, या फिर सिर्फ एक ही बार एक्टिवेट होगा. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मुझे लग रहा है एक ही बार होगा 30% इंक्रीज 7 सेकंड के लिए और इसका कूलडाउन भी 7 सेकंड्स का है. इंक्रीज चेन हिट डैमेज बाय 35% व्हेन अटैकिंग, तो चेन हिट डैमेज भी बहुत ही तगड़ा है. तो ओवरऑल TF4 स्किल PvE ओरिएंटेड है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये PvE कैरेक्टर है नॉट अ PvP कैरेक्टर. बट आई एम ऑल हाइप्ड अप फॉर अ स्पीड सुपर हीरो फीमेल कैरेक्टर, जो कि बहुत ही कोवेटेड टाइपिंग है लूना स्नो के आने तक. लूना स्नो के आने पर ऑब्वियसली शी विल बी द मेटा, यानी कि अगर आप इसे अपग्रेड करना चाहते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए करना कि ये मेटा से हट सकती है बहुत ही जल्द. उसके अलावा इसके हम आर्टिफैक्ट को देखेंगे तो इसका एक आर्टिफैक्ट ऐड हुआ है नया, इसमें है अप्लाइज टू सेल्फ इग्नोर टारगेट्स ड्रॉज रेट बाय 20% एंड एडिशनल ऑफ 0.5% ऑफ टोटल इंस्टिंक्ट अप टू 200%, हैज अ 20% प्लस टोटल इंस्टिंक्ट 0.5% चांस टू एक्टिवेट एनेबल अटैकिंग एनिमीज हु हैव एक्टिवेटेड द इग्नोर टारगेटिंग इफेक्ट. मैक्सिमम एक्टिवेशन रेट है 100%, यानी कि 100% है कि वो इग्नोर टारगेटिंग इफेक्ट वाले कैरेक्टर्स को अटैक करेगी. तो आर्टिफैक्ट डिसेंट है यार, टू बी ऑनेस्ट. इग्नोर टारगेटिंग यूजुअली PvP कैरेक्टर्स एक्टिवेट करते हैं, नॉट PvE बॉसेस. तो ये काइंड ऑफ मिक्स्ड हाइब्रिड टाइप देखने को भी मिल रही है बिकॉज ऑफ आर आर्टिफैक्ट्स. आई एम नॉट श्योर किस कैटेगरी में डेफिनेटली ये लैंड करेगी, बट मैं तो यार PvE के लिए ही बिल्ड करने वाला हूँ फॉर द मोस्ट पार्ट, सो विल सी हाउ दैट वर्क्स. तो काफ़ी हैप्पी हूँ यार मैं स्पेशली यूनिफॉर्म को चेंज किया गया. बट यार एक चीज़ मुझे कन्फ्यूजिंग लग रहा है, अगर आप यहाँ पे फोटो पे देखोगे तो ऑब्वियसली ये सारे नए यूनिफॉर्म है राइट, तो यहाँ पे ये मास्क पहनी हुई है राइट, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कलेक्शन में इसका मास्क नहीं है. तो ये कन्फ्यूजिंग यार कि क्या हो रहा है ये,
दोनों तरफ का दिखाया जा रहा है, तो विल सी जब ये आता है गेम में तब हमें असली पता चलेगा कि ये मास्क है कि मास्क एक्चुअल में नहीं है। तो ये एक चीज़ मुझे काफ़ी कंफ्यूजिंग लगी, अगर आप कैरेक्टर सिल्वेट में मास्कलेस दिखा रहे हो तो यहाँ पे मास्क क्यों दिखाया जा रहा है, बट ठीक है, विल फाइंड आउट जब ये गेम में आएगा। उसके अलावा अदर इंप्रूवमेंट में स्पाइडरगवेन विल नाउ अपीयर विद द स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स यूनिफॉर्म एंड एक्टिवेटिंग द फिफ्थ स्किल ऑफ स्पाइडरमैन माइल्स मोरेल्स, यानी कि हर बार ये आएगी स्पाइडरगवेन तो ओके। ब्लैक विडो के टीयर 4 टेस्ट हैज बीन चेंज्ड टू बी मोर प्रिसाइज, द स्किल इफेक्ट हैज नॉट चेंज्ड, खाली उसको थोड़ा प्रिसाइज होने के लिए चेंज किया गया, ठीक है, यानी कि इफेक्ट टेस्ट हैज बीन चेंज्ड टू बी मोर प्रिसाइज, ठीक है। बिफोर इंक्रीज ऑल अटैक बेसिक अटैक बाय 45% था, इवेट्स 30 हिट्स एंड इंक्रीज डैमेज डील बाय 60% फॉर 7 सेकंड्स, अब हो चुका है इंक्रीज ऑल बेसिक अटैक बाय 45%, डॉजेस 30 हिट्स इंक्लूडिंग अटैक्स विथ इग्नोर डॉज एंड इंक्रीजेस डैमेज डील बाय 60% व्हेन डॉजिंग 1 second। ब्लैक विडो का टीयर 4 स्किल इज द सेम एज हर, ओके, और यहां पर इंक्रीज डैमेज डेल्ट बाय 30% है, और वहीं पे अगर हम ब्लैक विडो का देखेंगे तो 60% था, तो काइंड ऑफ स्कैम है यार, कम दिया जा रहा है स्पाइडरगवेन को, ओके, बट हो सकता है स्पाइडरगवेन ओवर पावर्ड हो इस वजह से ऐसा किया गया, विल फाइंड आउट जब ये गेम में आता है, ठीक है, बट आई एम रियली हाइप्ड अप फॉर इट, लेट्स सी। गेम एरर फिक्सेस में कुछ चेंजेस किए गए हैं, ये सब तो ठीक है, और उसके अलावा एक इवेंट भी आ रहा है, उसके बारे में भी हम यहीं पर बात कर लेते हैं। तो 300-day स्पेशल इवेंट है, उसके अलावा पैक्स वगैरह भी है, सो ओके, काफ़ी सारे इवेंट्स आ रहे हैं यार, वाओ, मतलब इवेंट्स फॉर डेज, बट जिस इवेंट पे हमें ध्यान देना है वो ऑब्वियसली होने वाला है स्पेशल इवेंट, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं 3000 डे स्पेशल इवेंट पर। तो यहाँ पे स्पेशल इवेंट है 3000 डे स्पेशल इवेंट, सबसे पहले ऑल यूनिफॉर्म 40% डिस्काउंट आ रहा है जो कि हमें पता है। 3000 डे स्पेशल इवेंट स्टेज है, यहाँ पे टोकन्स मिलेगा इवेंट स्टेज को क्लियर करने पे, यहाँ से आप रिवॉर्ड्स क्लेम कर सकते हो। हमें मिलने वाला है टोटल 10 दिन के लिए 30 टोकन्स एवरी डे, तो बेसिकली 300 टोकन्स हमें मिलेगा इन टोटल, ठीक है। और इन टोकन से या तो हम स्पेशल आइकन खरीद सकते हैं या फिर टाइटन रिकॉर्ड्स खरीद सकते हैं, CCF वगैरह है, T4 मटेरियल ज़्यादा अच्छा लगता, नहीं तो आप रेस्क्यू या फिर आयरन हार्ट के बायोस ले सकते हो, विच इज़ रियली नाइस, यानी कि 50 टोकन में रेस्क्यू के 5 बायोस और 50 टोकन में आयरन हार्ट के 5 बायोस, तो 5-5 बायोस से आप अनलॉक कर सकते हो कैरेक्टर्स को, विच इज़ रियली नाइस। तो जिनके पास ये कैरेक्टर्स नहीं है वो ले लेना यार, मेरे पास तो पहले से, सो मेरे लिए काइंड ऑफ स्कैम है। उसके अलावा ग्रोथ बोनस मिशन में T4 करने पे कुछ रिवॉर्ड्स है, और यहाँ पर अपग्रेड यूनिफॉर्म अपग्रेड बोनस पे भी कुछ रिवॉर्ड है, दीज आर स्टैंडर्ड इवेंट्स। कैरेक्टर रैंकिंग इवेंट में क्रिस्टल रिवॉर्ड है स्पाइडरगवेन पे, विच इज रियली नाइस, तो ऑब्वियसली मैं रैंक पुश करने की कोशिश करूंगा जितना हाई हो सके। एनर्जी स्पेंडिंग मिशन है, ये भी अच्छा है। बैम नॉन स्नोप के पास मुझे लगता है इन्हें इसे चेंज करके TCP OD कर देना चाहिए, तो लोग ज़्यादा खुश होंगे अब, ये बहुत ही बेकार रिवॉर्ड है। उसके अलावा 3000 डे स्पेशल आर्ट बुक चांस अप इवेंट है, तो आर्ट बुक थीम प्रीमियम कॉमिक कार्ड के चांस अप हो रहे हैं, तो अगर आप चाहो तो गैम्बल कर सकते हो फॉर दोस, बट चांसेस काफ़ी कम रहता है तो संभल के करना। आर्टिफैक्ट एंड इक्विप डिस्काउंट है, तो अगर आपने गलत आर्टिफैक्ट दिया है कैरेक्टर्स पे तो डेफिनेटली यही टाइम है उसे सुधारने का और इसे अनइक्विप करने का। उसके अलावा थैंक यू फॉर स्टेइंग 3000 डेज विद अस का 7-day चेक इन इवेंट है, यहाँ पर सबको 100 फ्री क्रिस्टल्स मिलने वाला है, विच इज ऑल्सो रियली नाइस। उसके बाद यहाँ पे 3000 डे सेलिब्रेशन लकी बॉक्स भी है, तो मुझे लगता है यहाँ पे हमें 3000 गोल्ड के बदले आप बॉक्स ओपन कर सकते हो, तो यहाँ पे आई एम नॉट श्योर कि एक बॉक्स खोल सकते हैं कि हम कितना बॉक्स खोल सकते हैं, यहाँ पे काउंट नहीं बताया गया है, बट इसमें काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स है यार। 3000 गोल्ड के लिए आपको 30 मिलियन गोल्ड मिल सकता है लिटरली, विच इज़ रियली नाइस। मैं तो एम करूँगा यार 30 मिलियन गोल्ड ही निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे लगता है 30 times हम ओपन कर सकते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट विल सी। या फिर हो सकता है हम हर रोज़ एक बॉक्स खोल सकते हैं और ये रहेगा 7 दिन के लिए, तो 7 boxes हम खोल सके, विल सी अबाउट दैट। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग इवेंट था तो मुझे समझ में नहीं आया। 3000 डे स्पेशल CTP एंड इक्विप डिस्काउंट भी आ रहा है, तो CTP एंड इक्विप डिस्काउंट कुछ ही टाइम पहले आया था, अभी फिर से आ गया है, तो दैट इज़ रियली नाइस। और रिफोर्जिंग सुपर सक्सेस चांस है, तो 3x chances अप है, तो ये भी आप कर सकते हो। तो काफ़ी तगड़े इवेंट्स है, काफ़ी तगड़ा यूनिफॉर्म्स है, एंड स्पाइडर ग्वेन इज लुकिंग रियली नाइस एंड आई एम रियली हाइप्ड अप अबाउट इट। सो आपके क्या थॉट्स एंड ओपिनियन है इस पैच नोट्स को लेकर, अगर आपको ये पसंद आया तो लेट मी नो कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, क्या आप स्पाइडर ग्वेन को लोगे, क्या आप TFO करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले पीस आउट, टेक केयर, बाय।